ठट्टा में मोबाइल मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। डॉक्टर्स तूफान मुतासरीन को चेकअप करके अद्वियात फराहम कर रहे हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अमर लाल से। जी अमर बताइएगा। इमकानी तूफान के बाद केटी बंदर और साहली इलाके के जितने भी गांव और शहर थे वो मुकम्मल तौर पर खाली करा दिए गए। उसके बाद जितने भी लोग थे वो मुख्तलिफ जगहों पर शिफ्ट हो चुके। मैं एक वक्त गाड़ो शहर में मौजूद हूँ, जहाँ पर जमा इस्लामी के ज़ेर एहतमाम अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से रिलीफ कैंप लगाई गई है। वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों को चेकअप किया जा रहा है, उसके साथ साथ वहाँ डॉक्टर भी मौजूद है और उनको दवाएँ भी मुफ्त फराहम की जा रही हैं। आइए मेरे साथ अल खिदमत फाउंडेशन के जो यहाँ पर रहनुमा मौजूद है इनसे बात करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी बंदोबस्त है, पर जाहिर है कि गवर्नमेंट भी सब चीज़ों को नहीं पहुंच पाती, इस जगह पे ज़रूरत पड़ती है समाजी इदारों की और प्राइवेट इदारों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पे एक बहुत बड़ा रिकग्नाइज्ड इदारा है। वहाँ पे पकवान तैयार किया जा रहा है, जो पकवान वहाँ पे जहाँ पे लोग रिलीफ सेंटर्स में बैठे हुए उनको दिया जा रहा है। ये कहना है कि अल खिदमत फाउंडेशन जितने भी साहली इलाकों से जो लोग मुतासर होकर मुख्तलिफ रिलीफ कैंप में पहुँचे हुए इनको खाने पीने के साथ साथ मुख्तलिफ अदवियात और यहाँ पर डॉक्टर की हर वक्त टीम मौजूद रहेगी इनके इलाज के लिए। जहाँ पर जिसको भी ज़रूरत होगी, चाहे राइश के लिए, खाने पीने के लिए, अल खिदमत फाउंडेशन हर वक्त मौजूद रहेगी।